जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्तों के बारे में। ये वो रिश्ता है जो हर वक्त, हर समय जीवन में चल रही हर परेशानी में किसी एक के होने का अनुभव देता है। ये वो रिश्ता है जो दो व्यक्तियों को एक दूसरे से भरपूर ताकत देता है। लेकिन अगर इसी रिश्ते में खटास हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, लड़ाई झगड़े हो, कलह हो, तो ये वो रिश्ता है जो जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। ये वो रिश्ता है जो जहर बनकर धीरे धीरे इंसान को खत्म करने लगता है, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पर इस रिश्ते में हम कैसे प्यार बनाए रखें, कैसे एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहें, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और कौन सा ग्रह इसके लिए इफेक्टिव होता है ये भी बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात कर रही हूँ पति पत्नी के रिश्तों के बारे में। तो आपको आज एक चीज बताती हूँ, चंद्रमा आपके जीवन में रिश्तों को बनाने का सबसे प्यारा ग्रह होता है। ये ग्रह अगर अच्छा है तो आपके जीवन में आपके रिश्ते हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप अपने रिश्तों में बहुत सुखद एहसास करेंगे। आपको आपके रिश्तों से हमेशा भरपूर प्यार और सुख प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा अच्छा है तो आपके जीवन में आपके रिश्तों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ये रिश्ता खराब हो जाए या आपके रिश्तों में कड़वाहट आने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में बैठा चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। जब जब भी चंद्रमा पीड़ा उत्पन्न करने लगते हैं तो कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि आपको अचानक से पानी की तलब कम हो जाएगी। आप पानी पियोगे तो आपका पेट फूलने लगेगा। पानी पीने के बाद आपकी भूख मिटने लगेगी, मतलब आपकी बॉडी उस पानी को खपा नहीं पाएगी और उस पानी से ही आपका इतना पेट भर जाएगा कि आप खाना प्रॉपर नहीं खा पाओगे। पानी कम पीना, पसीना कम आना, बात बात पर इमोशनल हो जाना, ये चंद्रमा के खराब होने की निशानी होता है। इसका इलाज क्या करना चाहिए, ये कैसे समाप्त होगा, कैसे ठीक होगा, कैसे हमारे रिश्ते सही होंगे? अगर हम चांदी धारण कर लेते हैं तो उससे चंद्रमा काफ़ी ठीक हो जाता है। गले में चांदी पहनने से आपको आत्मविश्वास भी मिलता है, आपके रिश्तों में मजबूती भी आती है। वही चांदी अगर आप हाथ में पहन लेते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं और आपके रिश्ते में मजबूती आती है। आप चांदी अगर अपने पैर में पहन कर रखते हैं तो आप शारीरिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। आपको कभी भी अपने अंदर से किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी महसूस नहीं होती। चांदी का एक चकोर टुकड़ा अगर आप लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में रख लेते हैं तो ऐसा करने से आपके बीच के कलह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। चांदी के ग्लास से अगर आप पानी पीना चालू कर देते हैं तो आपका मन शांत रहता है, गुस्सा कम आता है और आपके जीवन साथी की बातें भी आपको समझ आने लगती हैं। अगर आप अपने मायके से चांदी का कोई भी सामान लाकर उसे इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि पायल, बिछिया, चूड़ी, कोई भी चीज़ जो आपके मायके से चांदी के रूप में आपको मिली हो और आप उसको अपने तन पर पहनना चालू कर दें तो इससे भी आपका गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाता है। अगर हम अपने गृहस्थ जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं और पति को अपने साथ रखना चाहते हैं, मैं कभी नहीं कहती कि कोई भी स्त्री अपने पति को कंट्रोल करे,
वो तो खुद अपना घर छोड़कर आती है, अपना परिवार छोड़कर आती है किसी और का हो जाने के लिए। अगर वो किसी को वश में ही करना चाहती है, अगर वो किसी को अपना ही बनाना चाहती है, तो वो शादी से पूर्व ही बना लेती ना, और उसको वश में कर अपने साथ रख लेती। वो क्यों अपना सब कुछ छोड़कर किसी के लिए उसके घर में आ जाती। पर प्यार तो चाहती है, सम्मान तो चाहती है, अपनापन तो चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सूर्य की रोशनी में आपको थोड़ी देर जल को रख देना चाहिए। उसके बाद उस जल को आपको किसी बोतल में भरकर, प्लास्टिक की बोतल में नहीं, किसी कांच की बोतल में भरकर अपने मंदिर में रख देना चाहिए। 3 दिन लगातार आपको घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, और 3रे दिन आपको ये जल अपने हस्बैंड को किसी तरीके से पिला देना है। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, इससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आएगा हमें ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय।